हेलो दोस्तों, आप लोगों के सामने इंग्लिश एक्सप्रेस अर्जुन सर के चैनल पे मैं संजय यादव सर मैथ से संबंधित क्वेश्चन बताएंगे और बहुत आसानी वे से समझाएंगे और एंजॉय करके देखिए बताएंगे। जैसे आपको सैरीज पर स्वागत करते हैं, दिल से दिल मिला तो सजा लेते हैं लोग, दिल से दिल मिला तो सजा लेते हैं लोग, प्यार को जज्बात को दबा देते हैं लोग, प्यार को जज्बात को दबा देते हैं लोग, दो दिलों के मिलन के, दो दिलों के मिलन के कैसे देख सकती है दुनिया, दो दिलों के मिलन से कैसी देख सकती है दुनिया, जब साथ बैठे दो परिंदों को भी उड़ा देते हैं लोग। आइए दोस्तों, आप लोगों के मैथ्स को क्वेश्चन बताएंगे। जैसे त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज ए सी बी लीजिए, जिसका कोण सी समकोण हो। समकोण माने क्या होता है, 90 डिग्री के कोण को समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो सी समकोण त्रिभुज है तथा जिसमें जिसमें ए बी 29 डिग्री 29 इकाई है, डिग्री नहीं है, 29 इकाई कॉमा बी सी बराबर है 21 इकाई और कोण ए बी सी थीटा है, कोण ए बी सी थीटा है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करे कि क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, दूसरा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 441 अपॉन 841। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो त्रिभुज पहले आप लोग को बताते हैं, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है, ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज कितना डिग्री कहते हैं, तो 90 डिग्री को समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं बी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, तो ये है सी 90 डिग्री है, क्वेश्चन में कहा हुआ है, तो सी 90 डिग्री है, बी है थीटा है, तो 90 के सामने वाला क्या होता है, 90 के सामने वाला कर्ण होता है, आप लोग को बताए हैं फार्मूला में भी, यहाँ पे आपको बताते हैं, थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है, जो बच जाता है इसको क्या मानते हैं, आधार मानते हैं, आप लोग को बताए हुए हैं जैसे। तो इसमें क्वेश्चन कहा है ए बी कितना है, ए बी 29 इकाई है, तो इसको लिख रहे 29 और बी सी क्या है, बी सी 21 है, लंब निकालना है, तो लंब निकालना है तो आप लोग फार्मूला आप लोग बताए हैं ना, लंब निकालने क्या फार्मूला है, लंब स्क्वायर बराबर है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है, फार्मूला आप लोग बताए हैं। तो देखो तो लिखेंगे लंब स्क्वायर बराबर है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, इस पर से स्क्वायर हटेगा ना, इस पर से स्क्वायर, इस पर रूट चढ़ जाए, इस पर से रूट रूट पर चढ़ेगा, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर,
तो कर्ण कमान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, कर्ण कमान कितना दिया हुआ है, 29 दिया हो तो यहाँ 29 लिखेंगे, 29 के स्क्वायर चढ़ा देंगे हम माइनस। आधार कितना दिया हुआ, आधार 21 दिया हुआ है, 21 लिख देंगे, इस पर स्क्वायर चढ़ा देंगे। 29 का स्क्वायर कितना होता है, 29 का स्क्वायर कितना होता है, 841 होता है, 29 का स्क्वायर 841 होगा। तो कैसे होगा, 29 में 29 से गुना करोगे ना, मल्टीप्लाई करोगे तो 841 आएगा, माइनस ये माइनस देंगे, 21 का स्क्वायर कितना होगा, 441 होगा, 21 का स्क्वायर 441 होगा। सो घटा देंगे, 841 में से 441 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 400 बचेगा, रूट अंडर 400, 400 का वर्गमूल कितना होगा, 20 होगा, 20 तो 20 हुआ, तो लंब कितना आ गया, लंब आ गया 20, तो 20 आ गया। तो निकालना क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो साइन थीटा का क्या फार्मूला होता है, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, प्लस कॉस थीटा का क्या फार्मूला होता है, कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण। इसको फार्मूला पर बैठाएंगे, देखो साइन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, कर्ण ब्रैकेट से बंद कर दें, इसमें स्क्वायर चढ़ा देंगे, प्लस कॉस थीटा क्या बताया है, कॉस थीटा क्या है, आधार बटा कर्ण है, कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण है, आधार बटा कर्ण है, इसको ब्रैकेट से बंद कर देंगे, इस पर स्क्वायर चढ़ा देंगे। यहाँ तक प्रॉब्लम है, तो लंब का मान कितना आया है आपको सामने, लंब का मान कितना आया है, 20 ना आया, तो 20 लिखेंगे यहाँ, और कर्ण का मान दिया हुआ था कितना दिया हुआ था, 29, तो 29 लिखेंगे, के स्क्वायर चढ़ा, साइकिल से बंद के स्क्वायर चढ़ा देंगे, अब प्लस करेंगे, आधार का मान कितना आया है, आधार का मान 21 है, 29 का मान, कर्ण का मान कितना है, 29 है, उसको ब्रैकेट से बंद कर देंगे, फिर स्क्वायर चढ़ा देंगे। तो देखो तो 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 होगा, 20 का स्क्वायर 400 होगा अपॉन 29 का स्क्वायर कितना होगा, 841 होगा, प्लस 21 का स्क्वायर कितना होगा, 441 होगा अपॉन 29 का स्क्वायर 841 होगा। अब इसको एलसीएम करेंगे तो कितना होगा, एलसीएम कितना, 841 के 841 के एलसीएम कितना होगा, 841 होगा, तो 841 से 841 के एलसीएम तो बचा क्या, 400 बचेगा, प्लस 441 से 841 से 841 कैंसिल हो, बचा क्या, 441 बचेगा। तो 400 प्लस 841 कितना होगा, 400 प्लस 841 कितना, 841 होगा अपॉन 841, तो डिवाइड दोनों बराबर तो करेगा कितना, मतलब 1 मतलब लाना था क्या, 1 ही लाना था, तो 1 आया। इस पर देखो अगला है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 841 अपॉन 841, इसको इसको भी सिद्ध करना है तो आपको बताएंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 441 बाई इतना। तो देखो लिख देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर का थीटा अपॉन 441 अपॉन 841, इसको सिद्ध करना है। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण होगा, साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण होगा। तो आधार कितना है, आधार कितना आया है, 21, और कर्ण कितना है, 29 के स्क्वायर चढ़ाएंगे माइनस, लंब कितना है, लंब दिया हुआ, लंब कितना है,
लंब 20 है, लंब कितना है 20 है, लंब कितना है 20, लंब कितना है 20, तो 20 लिखेंगे। कौन कितना है 29, तो 29 लिखेंगे। स्क्वायर देखो, एक 21 पर भी स्क्वायर है, 21 पर भी स्क्वायर है, 29 पर भी स्क्वायर है, माइनस 20 पर भी स्क्वायर है, 20 पर भी स्क्वायर है अपॉन 29 पर स्क्वायर है, तो 21 का स्क्वायर कितना होगा, 21 का स्क्वायर कितना होगा, 21 का स्क्वायर होगा 441। 21 का स्क्वायर कितना लिखेंगे 441, 21 का स्क्वायर कितना होगा 441 अपॉन, अब 29 का स्क्वायर कितना होगा 841 माइनस 20 का स्क्वायर कितना होगा, 20 का स्क्वायर 400 होगा, 20 का स्क्वायर 400 होगा 29 का स्क्वायर कितना होगा 841 होगा, 29 का स्क्वायर 841 होगा, 841 841 का एलसीएम कितना होगा 841 और 841 का एलसीएम कितना होगा 841 होगा, तो 841 से 841 कैंसिल, बचा क्या 441 माइनस 841 से 841 कैंसिल हुआ, बचा क्या 400 इसको 441 में 441 माइनस 400 कितना होगा 41 होगा, 41 होगा अपॉन 841 लाना था, यही ना सिद्ध करना था, आ गया RHS। अगला क्वेश्चन है कि साइन, अगला क्वेश्चन है समकोण त्रिभुज ABC में कोण बी 90 डिग्री है, कोण बी 90 डिग्री है, यदि tan A बराबर 1 तो सिद्ध करें कि 2 sin A into cos A बराबर 1, इसको सिद्ध करना है, बताना है, जैसे आप क्वेश्चन बोर्ड पर दिखाएंगे। तो देखिए समकोण त्रिभुज 90 डिग्री के कोण को समकोण त्रिभुज कहते हैं। अगला क्वेश्चन, समकोण त्रिभुज ABC में B 90 डिग्री है यदि tan A बराबर 1 तो सिद्ध करें कि 2 sin A into cos A बराबर 1, इसको सिद्ध करना है। तो देखो सॉल्व करते हैं, tan A बराबर 1 होता है। tan का फॉर्मूला क्या है tan का लंब बटा आधार, tan थीटा क्या होता है लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर क्या लंब बटा आधार होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। इसमें क्या नहीं है, इसमें कर्ण नहीं है, तो कर्ण निकालना है। तो tan A बराबर 1, तो इसका बटा में कुछ नहीं, तो 1 छिपा हुआ रहता है, जिसके बटा में कुछ नहीं है वो 1 रहता है, तो कर्ण निकालना है, तो कर्ण निकालो। कर्ण निकालने का फॉर्मूला आपको बताए हैं, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आप लोग बताए हैं कि कर्ण में ही प्लस होता है, तो कर्ण का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 ही होगा, प्लस आधार का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो
वन प्लस वन कितना टू होगा, तो रूट अंडर टू होगा, इसका कर्ण का मान रूट में ही आएगा। तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो टू साइन ए इंटू कॉस ए, तो देखो टू इंटू साइन ए क्या है, साइन थीटा का क्या फॉर्मूला है, साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण होता है, साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण, इंटू यानी गुना कॉस, क्या कॉस का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस का आधार बटा कर्ण होता है, कॉस का आधार बटा कर्ण होता है, कॉस का क्या आधार बटा कर्ण, टू इंटू लंब का मान कितना है वन आया है, लंब का मान कितना है यहाँ ध्यान दो, लंब का मान कितना है वन है तो वन लिखिए, और कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान रूट टू है तो रूट टू लिखिए, इंटू यानी गुना आधार का मान कितना है, आधार का मान यहाँ देखो आधार का मान वन है तो वन लिखेंगे अपॉन, और कर्ण का मान कितना है रूट टू है तो रूट टू लिखेंगे, टू वन में वन से गुना करेंगे तो क्या होगा वन ही ना होगा, वन में वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन ही होगा अपॉन, रूट टू में रूट टू से गुना करेंगे क्या होगा टू होगा, रूट टू में रूट टू से गुना करने पर टू ये होता है, जैसे रूट थ्री से गुना करेंगे तो तीन आएगा, उसी तरह रूट टू में रूट टू से गुना करेंगे तो टू है, टू से टू कैंसिल हो गया बचा क्या वन, तो इसको लाना था आर एच एस, एल एच एस लेके चले हैं और आज आर एच एस निकाले हैं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, तो नैनो में बसा है, नैनो में बसा है जरा ध्यान रखना अपना, इंग्लिश एक्सप्रेस अर्जुन सर को चैनल को यूहू टिकाए रखना, हमारी तो फर्ज है, हमारी तो फर्ज है याद दिलाने की, अपना जोश यूहू टिकाए रखना। अगला क्वेश्चन बताएंगे कि साइन, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यदि साइन ए बराबर है थ्री बाई फाइव, साइन ए बराबर है थ्री बाई फाइव तो सिद्ध करें कि सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए बराबर है वन प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, इसको सिद्ध करना है, इसका सेक स्क्वायर ए बराबर है वन प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, दोनों का आंसर बराबर आ जाएगा ना तो सिद्ध होगा, अन्यथा तो गलत होगा। तो देखो यदि यदि साइन ए बराबर है थ्री बाई फाइव तो सिद्ध करें, सिद्ध करें कि सेक स्क्वायर ए बराबर है वन प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर, इसका आंसर, इसका आंसर बराबर हो जाएगा ना तो सिद्ध होगा, प्रूव्ड होगा, कहने का मतलब एल एच एस बराबर आर एच एस आ जाएगा। तो देखो तो सॉल्व करते हैं, साइन ए, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ थीटा नहीं है साइन ए है, तो साइन ए बराबर कितना होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, इसमें क्या नहीं दिया हुआ है आधार नहीं दिया हुआ है, तो आधार निकालने का फॉर्मूला आप लोग को बताए हैं, तो आधार स्क्वायर बराबर है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो आधार बराबर है, इस पर से स्क्वायर हटेगा, इस पर से स्क्वायर हटेगा, इस पर से इस पर रूट चढ़ेगा, रूट इस पर रूट चढ़ेगा, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर,
तो देखो, तो कर्ण का मान दिया हुआ है, कर्ण का मान दिया हुआ है, कर्ण का मान दिया हुआ है, कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान 5 है माइनस, लंब का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है लंब का मान, लंब का मान दिया हुआ है कितना है 3 है, तो 3 लिखेंगे। तो कर्ण का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे हम माइनस, लंब का मान कितना है, लंब का मान 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे। तो देखो, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा हम माइनस, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, 25 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 16, 16 का वर्गमूल कितना होगा 4। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, तो इस क्वेश्चन को हम आपको बताएंगे। तो देखो, सेक थीटा का फार्मूला होता है, सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक का फार्मूला होता है कर्ण बटा आधार, सेक थीटा होता क्या, कर्ण बटा कर्ण अपॉन पर आधार, इसको ब्रैकेट से बंद कर देंगे, स्क्वायर चढ़ा देंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। 1 प्लस टैन का फार्मूला होता है, टैन का फार्मूला होता है क्या, टैन का फार्मूला क्या होता है लंब बटा आधार, टैन थीटा क्या होता है लंब बटा आधार होता है, टैन थीटा होता है लंब बटा आधार, इसको ब्रैकेट से बंद कर दें, इसको स्क्वायर चढ़ा देंगे। यहाँ तक प्रॉब्लम, इसको अपॉन कर दिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बताएं आप लोग को, साइन थीटा क्या लंब बटा कर्ण होता है, तो उल्टा कर देना क्या, कर्ण बटा लंब होगा, कर्ण बटा लंब होगा, कर्ण बटा कर्ण अपॉन लंब, इसको ब्रैकेट से बंद कर देंगे, इस पर स्क्वायर चढ़ा देंगे, माइनस तो माइनस लिखेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो देखो कॉट का टैन का उल्टा ना कॉट होता है, टैन का उल्टा कॉट होता है, तो टैन का फॉर्मूला तो बताएं, यहाँ पे देखो लंब बटा आधार है तो उल्टा करो, उल्टा तो आधार बटा लंब होगा, तो आधार बटा लंब कर दिए, आधार बटा लंब होगा, तो ब्रैकेट से बंद कर इसको स्क्वायर चढ़ा देंगे। तो देखो, तो कर्ण का मान कितना दिया हुआ, कर्ण का मान 5 है, तो 5 लिखेंगे अपॉन, आधार का मान कितना है, आधार का मान 4 है, तो 4 लिखेंगे, इसको ब्रैकेट से बंद कर देंगे, इसको स्क्वायर चढ़ा देंगे। 1 प्लस लंब का मान कितना है, लंब का मान 3 है, तो 3 लिखेंगे, बट अपॉन आधार का मान कितना आया, 4 आया, तो 4 लिखेंगे, ब्रैकेट से बंद कर देंगे, इसको स्क्वायर चढ़ा देंगे। देखो अपॉन कर दिए, कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान 5 है, तो 5 लिखेंगे, लंब का मान कितना है, लंब का मान कितना है 3 है, तो 3 लिखेंगे, इसको ब्रैकेट से बंद कर इसको स्क्वायर चढ़ा देंगे हम माइनस, आधार का मान कितना है, आधार का मान 4 है, तो 4 लिखेंगे अपॉन, लंब का मान कितना है 3, तो 3 स्क्वायर चढ़ा देंगे। तो देखो, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 4 का स्क्वायर 16 बराबर है 1 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा अपॉन 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, उसी तरह यहाँ लिखेंगे आप लोग को सामने। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 4 का स्क्वायर 16 बराबर है 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9। देखो यहाँ एलसीएम करेंगे तो 16 और 25, तो 25 अपॉन 16 बराबर है, जिसको बटा कुछ नहीं रहता है इसको 1 माना जाता है, इसको बटा में 1 छिपा हुआ रहता है, 1 और 16 का एलसीएम कहता है 16 होगा, 16 लिखे तो होगा 16 प्लस 9 अपॉन 9, और 9 का एलसीएम कितना होगा 9 ना होगा,
9 और 9 का एलसीएम 9 होगा, तो 25 माइनस 16, यहाँ तक प्रॉब्लम। तो लिखो ऐसे 25 अपॉन 16 बराबर है 16 9 कितना होगा, 16 9 25 अपॉन 16, 25 में से 16 जाके कितना बचेगा 9 अपॉन 9 होगा। उसी वही बात को अखनी हम बोर्ड पर लिखेंगे। देखो 25 अपॉन 16 बराबर है 16, ये देखो यहाँ 16 आना कितना होगा 25 अपॉन 16 होगा, 25 अपॉन 16 बड़ी बड़ी कृषि चालू की है, और 25 में से 16 जाए कितना बचेगा, 25 में से 16 तो 9 बचेगा अपॉन 9। देखो 25 अपॉन 16 बराबर है 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा ना, तो 1 बार में 1 से गुना करेंगे 25 बाई 16 में, तब कितना आएगा 25 बाई 16 ना आएगा। हम आप लोग क्या बोलेंगे, बोले हैं LHS बराबर RHS आ जाएगा, तब समझना कि क्वेश्चन सही से बन गया है। लिखेंगे LHS बराबर है RHS आया। आपको अब क्वेश्चन अगला लास्ट क्वेश्चन है आप लोग को बताएंगे। क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो क्वेश्चन आप लोग को हम